नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। नमस्कार, स्वत्व समाचार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रशांत रंजन। आज स्वत्व समाचार के YouTube चैनल का शुभारंभ हो रहा है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही विशेष जानकारी। आज सबको पता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम संस्थापक का जन्म हुआ था, इसलिए ये कार्तिक पूर्णिमा का दिन और भी विशेष हो जाता है। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि गुरु नानक देव जी का बिहार से क्या संबंध रहा है। आपको हम बताएंगे कि गुरु नानक जब 37 साल के थे तो 1506 ईस्वी में उनका बिहार प्रवास होता है। जब वो बिहार आते हैं तो सबसे पहले सासाराम जाते हैं। सासाराम के जिस स्थान पे नानक का प्रवास हुआ था, आज वहाँ पे एक गुरुद्वारा है। सासाराम से निकल कर गुरु नानक गया जाते हैं और फल्गु किनारे जिस जगह पर ठहरते हैं वहाँ भी उनके निशान गुरुद्वारे के रूप में मौजूद है। ये बात अलग है कि आज यह गुरुद्वारा बड़े ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। गया से निकलकर नानक राजगीर जाते हैं। राजगीर में आपको पता है गर्म जल का कुंड है। ये कुंड अपने आप में अद्भुत है और अविश्वसनीय है, लेकिन गर्म जल के कारण वहाँ के लोगों को परेशानी होती थी कि शीतल जल उपलब्ध नहीं हो पाता था। जब नानक वहाँ गए तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने उनसे विनती की कि हमारे पास शीतल जल का कोई कुंड नहीं है, जिससे शीतल जल की प्राप्ति में और उसका उपयोग करने में बहुत परेशानी होती है। ईश्वर की कृपा देखिए, नानक ने कहा कि शीघ्र ही यहाँ तुम लोग की यह समस्या सुलझ जाएगी। और नानक के वहाँ से जाने के कुछ दिन के बाद ही एक शीतल कुंड का अस्तित्व आ गया। आज भी उस जगह पे जहाँ वह कुंड है उसको नानक शीतल कुंड के नाम से हम जानते हैं। अब इस कड़ी में सबसे दिलचस्प बात मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। पटना शहर में एक प्रमुख क्षेत्र है गायघाट। ये गायघाट इलाका तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इस गायघाट का नाम गायघाट क्यों पड़ा, इसके पीछे की कहानी भी बड़ा दिलचस्प है। और इस गायघाट के नामकरण के पीछे सीधे सीधे गुरु नानक देव से संबंध है। अपने पटना प्रवास के दौरान गायघाट जिस जगह पे ठहरे वो संत जैतामल का स्थान था। संत जैतामल काफी वृद्ध हो चुके थे। संत ने नानक से कहा कि मैं काफी वृद्ध हो चुका हूँ, चलने फिरने में असमर्थ हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। नानक ने कहा कि अभी आपको कुछ दिन और जीना है और बाद में हमारे बाद जो प्रवास पर आएंगे उस समय आपकी मुक्ति होगी। संत जैतामल का है कि मैं तो चलने फिरने में भी असमर्थ हूँ, मैं तो इतना असमर्थ हो गया हूँ कि मैं स्नान करने के लिए गंगा तक नहीं जा पाता हूँ, नदी तक नहीं जा पाता हूँ। नानक ने कहा ठीक है जैतामल, आपकी यह समस्या आज से दूर हो गई और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कुटिया में ही रहिए, गंगा स्वयं आकर आपको स्नान कराएंगी। नानक वापस चले जाते हैं और संत जैतामल को अगले दिन से ही गंगा मैया गाय के वेश में उनके आश्रम में आकर उनको स्नान कराती है। क्योंकि गंगा तट के किनारे उस घाट पे गाय का स्वरूप रखकर गंगा स्नान कराते आती थी संत जैतामल को, इसीलिए उस जगह का नाम गायघाट पड़ गया। आज भी जिस कुंड में संत जैतामल स्नान करते थे वो कुंड सलामत है। और जिस जगह पे संत जैतामल रहते थे, जहाँ नानक ने उनको आशीर्वाद दिया था, वह जगह आज बड़ी संगत गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है और वो गायघाट इलाके में ही स्थित है। तो ये रहा गुरु नानक से संबंधित बिहार की दिलचस्प तस्वीरें जो हमने आपके सामने रखी हैं। आगे भी बिहार के संदर्भ में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारियां लेने के लिए देखते रहिए स्वत समाचार। हमारा फेसबुक और ट्विटर पर भी लिंक है, नीचे दिए जा रहे लिंक पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको आप क्लिक कर देंगे, हमारे द्वारा दी जा रही सारी जानकारियां आप तक पहुंचते रहेगी। ट्यून रहिए, स्वत समाचार देखते रहिए। नमस्कार।